हवामान विभागना जणाव्या अनुसार गुजरात में हजू चोमासा माटे राह जोवी पड़शे। हजू दक्षिण भारत में चोमासु पहुंच्यु छे। मुंबई में चोमासु आव्या बाद गुजरात की जाहरात थशे। राज्य में 5 दिवस छूटो छवायो वरसाद रहेशे। आवतीकाले अमदावाद में छूटो छवायो वरसाद पड़शे, तेमज दक्षिण और उत्तर गुजरात में पण वरसाद रहेशे, जेमां तापी डांग भरूच सूरत वडोदरा में वरसाद नोंधाशे। उत्तर गुजरात में चोमासा पहला ज अनेक तालुका में 18.74% वरसाद पड़ो। पीपुरजो वावाझोड़ा ने लिए बनासकांठा विस्तार में भारे वरसाद पड़ो। 47 तालुकाओ पैकी 12 तालुका में 30% वरसाद। सांतलपुर में सौथी वधु 54.12% वरसाद नोंधायो, ज्यारे धानेरा थरा दियोदर सहित तालुकाओ में 45% वधारे वरसाद नोंधायो। भारे वरसाद ने लई बनासकांठा नो ईडरमल संपर्क विहोणो, गाम में 50 थी वधु घरों में पाणी घुस्या। धोधमार वरसाद पड़ता छापरी नदी बे कांठे, भारे पवनना कारणे वीजपोल अने वृक्षो धराशे। बनासकांठा में दांता सरकारी हॉस्पिटल में पाणी भराया। दांता सिविल हॉस्पिटल परिसर में पाणी भराया। पाणी भराता महिला दर्दी ने अन्य हॉस्पिटल में खसेड़ाई। ट्रेक्टर में महिला दर्दी ने अन्य हॉस्पिटल में खसेड़ाई। बीपोरजोई वावाझोड़ा में भारे वरसाद पड़ता साबरकांठा की नदी बे कांठे वहती थी। उपरवास में भारे वरसाद पड़ता गुजरात में धरोई डेम में 42,000 क्यूसेक पानी की आवक थी। धरोई डेम में हाल 49% जेटलो जळनो जत्थो। खेड ब्रह्मा में मोड़ी रात्रे भारे पवन साथ वरसाद पड़ता वीजड़ी गुल। वरसाद ने लई खेतरो में पानी भराया। भीमक्षी कोसंबी हरणाव नदी में नवा नीरनी आवक। कच्छ मुंद्रा में मोटा कपाया में बीपोरजोय वावाझोड़ा ने लई बागायती खेती में व्यापक नुकसान। भारे पवन ना कारणे खारेक अने केड़ाना वृक्ष धराशयी थया। बीपोरजोय वावाझोड़ाए कच्छ में भारे ताराजी सर्जी। भारे पवन अने वरसादना कारणे पीजीवीसीएल विभाग ने मोटू नुकसान थयुं। कच्छ में बीपोरजोयना कारणे 8,000 वीजपोल धराशयी थया, जेना कारणे वीज पुरवठो पण खोरवायो। पीजीवीसीएल युद्धना धोरणे कामगीरी करी। राज्य सरकार ना प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल नुं निवेदन, कहूं गुजरात पर थी वावाझोड़ा की घात पसार थी चुकी है। 150 किलोमीटर की झड़पे पवन वरसाद की संभावना थी। वावाझोड़ा की आगाही दिवस थी ज सरकारे तैयारी करी। 11 जूने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचन आप्युं हतुं। पीएम मोदी जीरो कैज्युअलिटी ने ध्यान राख्युं। वावाझोड़ा अंगे बोलता पहला ऋषिकेश पटेले कहूं, पहला वावाझोड़ू घर सुधी आ जाए खबर नती, हवे हवामान विभागे आपने अगावज सूचना आपे, हवे टेक्नोलॉजी उपयोग थई रह्यो छे। राज्य सरकार प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल वावाझोड़ा मुद्दे निवेदन, कहूं वावाझोड़ा की नुकसानी प्राथमिक सर्वे हाल चाली रह्यो छे। दुधाड़ा पशुओं 30,000 सहाय की जोगवाई है। बड़द ऊंट जेवा पशुओं अलग सहाय छे। बीपोरजोय वावाझोड़ा थी कुल 3,207 पशुओं मौत थया। गीर सोमनाथ जिला में बीपोरजोय की नकारात्मकता असर ओछी जोवा मळी। खेडूतोने वरसाद ने लई फायदो थता समग्र जिल्लाना खेडूतोए वावणी करी। सूरत शहर में वातावरण में पलटो। शहर में अनेक विस्तारों में वरसाद, आठवा गेट अने मजूरा गेट में वरसाद पड़ो। सिक्किम में वरसाद की आफत, मूसळधार वरसाद कारण जनजीवन ने माठी असर। अनेक विस्तारों में भूस्खलन की घटना बनी। भारे वरसाद कारण अनेक रस्ताओ मकानों ने नुकसान पहुंचू। नदियों में पानी तसमसतो प्रवाह जोवा मळ्यो। हिमाचल प्रदेश में भारे वरसाद की हालाकी। भारे वरसाद कारण प्रवासी फसाया। कारेली तळाओ में फसायेला 26 प्रवासी रेस्क्यू करायो। गुजरात बाद राजस्थान में चक्रवात बीपोरजोय कहर। राजस्थान ना अनेक विस्तारों में भारे थी अति भारे वरसाद। 36 कलाक थी सतत वरसी रह्यो छे वरसाद। अनेक जिल्ला में पूर स्थिति थयुं निर्माण। बाड़मेर सीहोर बांसवाड़ा में भारे वरसाद। उदयपुर राजसमंद पाली अजमेर कोटा में पाणी पाणी। अनेक विस्तारों में 10 थी 13 इंच सुधी वरसाद। भारे पवन ने कारण जनजीवन थयुं अस्तव्यस्त। 174 ग्राम पंचायत 500 गामों में ब्लेकआउट। माउंट आबू में ट्रेकिंग सनसेट पॉइंट बंद कराया। अजमेर अने पाली में आखे आखा शहर पानी में गड़ाडूब था। जोधपुर शहर में पानी भराई जता एनडीआरएफ की टीमों कामे लगाड़ाई। तमिलनाडु चेन्नई में केटलाक विस्तारों में धोधमार वरसाद पड़ो। जिल्लाना अरुकम्मा अने चेटपेट विस्तार में पानी भराई गया। चेन्नई कॉर्पोरेशन ना कामदारों वरसाद ने लेने थयेला अवरोधों ने दूर करवाना प्रयासों करी रहा छे।
उत्तर भारत में भीषण गर्मी, यूपी बिहार में गर्मी ना कारणे 98 लोकोना मौत, बलिया में 400 लोग हॉस्पिटल में दाखल, 3 दिवस में यूपी में 58 और बिहार में 44 ना मौत। તાવ, શ્વાસ ચડવો અને અસહ્ય ગરમીથી ત્રસ્ત લોકો, ગરમીના કારણે બ્રેઇન સ્ટ્રોક અને હાર્ટ એટેક આવતા મોત, બિહારના 6 જિલ્લામાં ગરમીનું રેડ એલર્ટ, 8 જિલ્લામાં ઓરેન્જ અને 4 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ। સીએમે ભગવાન જગન્નાથની પૂજા અર્ચના કરી, સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ ભગવાન જગન્નાથની આરતી કરી, સીએમે કહ્યું 146મી રથયાત્રાની નગરજનોને શુભેચ્છા, રાજ્યની સુખ શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી। रथयात्रा पूर्वे भगवान जगन्नाथ जी ने सोना वेश ना दर्शन थया, सोना ना घरेणा अने मुगुट थी सजिया छे भगवान ना वेश। काले अमदावाद में भगवान जगन्नाथ की 146मी रथयात्रा भगवान बेन सुभद्रा अने भाई बलभद्र साथे निकलशे नगरचर्याए। ભગવાનની 146મી રથયાત્રાને લઈ જગન્નાથ મંદિરમાં તડામાર તૈયારીઓ, ભગવાનના દર્શન માટે આજથી હજારોની ભીડ। અમદાવાદીઓ ભગવાનના સ્વાગત માટે આતુર, સરસપુર, કાલુપુર, જમાલપુરમાં રહેતા સ્થાનિકોમાં અનેરો ઉત્સાહ। ભગવાન જગન્નાથજીના મંદિરમાં ગજરાજોનું આગમન, રથયાત્રાના એક દિવસ પહેલા તમામ ગજરાજોનું પૂજન, મંદિરમાં મહંત દિલીપદાસજીએ કર્યું ગજરાજોનું પૂજન। ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રામાં ગજરાજોનું વિશેષ મહત્વ, રથયાત્રામાં સૌથી પહેલા નીકળે છે ગજરાજની યાત્રા, ગજરાજનો વિશેષ શણગાર કરવામાં આવે છે।